और उसकी सज़ा का ज़िक्र यूँ फरमाया, वलम यनकुदू अहद अल्लाह वाहद रसूली। जब कभी कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के साथ वादा खिलाफी करती है, अहद शिकनी करती है, तो अल्लाह ताला उस कौम पर उनकी उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। और दुश्मन इन पे मुसल्लत होकर जो कुछ इनके पास हैं, इनके ज़मीन जायदाद, इनके इख्तियार इक्तदार, जो कुछ इनके पास हैं वो सब दुश्मन उनसे छीन लेते हैं। बहुत बड़ा लम्हाए फिक्र है, सोचना और गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सोचने और गौर करने का मुकाम है कि आज अगर मुसलमानों के इख्तदार इख्तियार को छीनने की बात हो रही है, उनके ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा करने की बात हो रही है, उनके इख्तियारात को ख़त्म करके उनको सेकेंड कैटेगरी के सिटीज़न बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसके पीछे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बहुत पहले बताई है कि हमारे और आपका ये गुनाह कार फरमा है कि इसी की वजह से ये सारी बातें हो रही है। अगर हम अपने वजूद को, अपने ज़मीन जायदाद को, अपने इख्तदार व इख्तियार को बचाना चाहते हैं तो इस गुनाह को छोड़ के हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटना है, लौट के आना है। और वो है, नबी ने फरमाया कि लम यनकुदू अहद अल्लाह वाहद रसूली। अगर कोई कौम अपने अल्लाह और रसूल से अहद शिकनी करें, वादा खिलाफी करें, तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है, दुश्मनों को उन पर हावी कर देता है, गालिब कर देता है, ये मगलूब हो जाते हैं। और दुश्मन गालिब आने के बाद فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, बास उन चीज़ों को वो छीन लेते हैं, दुश्मन अपने इख्तियार में ले लेते हैं जो उनके हाथों में हैं, जो उनके पास हैं, चाहे उनके हाथों में कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो, जमीन जायदाद की शक्ल में हो, इख्तदार और इख्तियार की शक्ल में हो, जो भी उनके पास है, उनके हाथों में है, दुश्मन उन सब को छीनने की बात करते हैं। हाजरीन, अल्लाह उसके रसूल के साथ वादा खिलाफी अहद शिकनी क्या है? अल्लाह उसके रसूल के साथ वादा खिलाफी क्या हो सकती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला इस सजा से दोचार फरमाता है? हर नफ्स ये वादा किया है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से कयामत तक आने वाली सारी रूहों को, सारी आदम की औलाद को पैदा किया और पैदा करने के बाद सामने रखकर सबसे अहद लिया, वादा लिया, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने बैक जुबान ये कहा था, कालू बला शहीदना, क्यों नहीं अल्लाह, हम इस बात पर गवाह भी हैं और हम इकरार करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह तो हमारा रब है, ये हमने वादा किया, ये हमने इकरार किया। फिर उसके बाद ये तो हुई हर इंसान की बात, मुसलमान कलिमा शहादतैन का इकरार करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, इस बात की मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। यह हमने वादा किया,
یہ ہم نے اقرار کیا، یہ ہم نے عہد کیا ہے، اگر ہم اس عہد شکنی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا۔ ہم نے اللہ کو رب تو مانا ہے، اقرار تو کیا ہے، کیا ہمارا عمل ویسا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا خالق مالک اور مدبر کائنات، کائنات کے نظام و سسٹم کو چلانے والا۔ اب انسان اللہ کے تعلق سے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ تو رب ہے، تو عبادت کا حقدار ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ اب عبادت کسی اور کا اور کی کرتا ہے، اولاد کسی اور سے مانگتا ہے، فریاد کسی اور سے کرتا ہے، ماتھا کسی اور کے پاس ٹیکتا ہے، طواف اور نظر کسی اور کے لیے کرتا ہے، اور قربانی ذبح کسی اور کے حضور میں پیش کرتا ہے، توکل بھروسہ اللہ چھوڑ کے کسی اور پر کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وعدے میں، اس اقرار میں وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ رسول کے ساتھ ہم نے عہد تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، زبان سے اقرار تو کرتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں کہ میں کیا اقرار کر رہا ہوں۔ نبی کے تعلق سے سب سے پہلے بندہ ہونے کا اقرار کرنا، عبدہ ورسولہ، اور رسول دونوں میں سے کسی ایک کا کوئی اگر اقرار نہ کرے، انکار کر دیں، کوئی کہے رسول تو مانتا ہوں مگر بندہ نہیں مانتا ہوں، وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں بندہ تو مانتا ہوں مگر رسول نہیں مانتا ہوں، جیسے کفار و مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ انسان تو ہے بندہ تو ہے مگر ہم رسول نہیں مانتے ہیں، دونوں کا عقیدہ غلط ہے، دونوں قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، اب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، ماڈل مانا ہے، اسوہ اور قدوہ مانا، نمونہ مانا، تو ظاہر سی بات ہے ہماری ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال میں، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور کل آپ نے اس تعلق سے حافظ صاحب سے سماعت بھی کیے ہیں، پارے میں تراوی میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے کام مت لیا کرو، اور تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جان بوجھ کر خیانت کرتے ہو، تمہیں پتا ہے، اس کے باوجود تم نے اقرار کیا، وعدہ کیا، عہد کیا، اس کے باوجود تم خیانت کر رہے ہو، وعدہ خلافی کر رہے ہو، وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کیوں انسان وعدہ خلافی کرتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال، دولت، اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، حقیقی معنی میں اگر کوئی چیز فتنہ ہے، شریعت کی زبان میں، اللہ اس کے رسول کی زبان پہ، تو یاد رکھیے دین سے دوری اصل فتنہ ہے، دین سے دوری اختیار کرنا اصل فتنہ ہے، دین سے دور ہو جانا اصل فتنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو زمانہ ہے تم دیکھ رہے ہو، اس کے بعد بہت خطرناک فتنے کا دور آنے والا ہے، فتنے کا دور آنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ فتنے کا دور کیسا؟ کیا اس کے بعد ہم جو ابھی ہیں اس سے بھی خطرناک زمانہ آنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اب ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، کاٹا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اس سے بھی فتنہ آنے والا ہے۔ وہ کیا اصل فتنہ؟ وہ ہے بے دینی کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، یعنی انسان دیندار نہیں رہے گا، دین پر عمل کرنا نہیں چاہیں گے،
मुसलमान नाम के मुसलमान रह जाएंगे, काम के नहीं अमल के नहीं होंगे। दीन से दूरी इख्तियार करना असल फितना है, नबी से दूरी इख्तियार करना असल फितना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 63 में 63 में फरमाया, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं फितने में मुबतला ना हो जाएं। नबी की मुखालफत असल फितना है, अल्लाह की मुखालफत असल फितना है, दीन से दूरी इख्तियार करना असल फितना है। याद रखिए, हर वो चीज जो हमें अल्लाह से, रसूल से, दीन से, कुरान से, हदीस से और ईमान से हमें दूर कर दे, गाफिल कर दे, सुस्त रफ्तार बना दे, याद रखिए वो चीज फितना है। चाहे वो हमारे माल और दौलत हो, हमारे कारोबार इख्तदार इख्तियार हो, हमारी आदतें और अतवार हो, हमारे दोस्त और अहबाब हो, हमारी कोई भी चीज हो, अगर ये चीज हमें दीन से दूर कर दे या दीन पर चलते हुए हमें सुस्त बना दे, तो याद रखिए वो चीज फितना है। इसीलिए शरीयत ने कहा कि देखो तुम्हारे माल और औलाद फितना है। नबी ने फरमाया, फितनतु रजुल फी अहलिही व मालिही व नफ्सी व औलादी, कहा कि इंसान का फितना उसके आल औलाद में, माल में, उसके खुद अपनी जात में है। क्या मतलब है? हमारी जात, हमारी आदत, हमारे अतवार दीन पर अमल करने से माने हैं। और इन सारी बातों को अल्लाह इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह ने शहवात और शुबहात से ताबीर किया है कि इंसान शहवात के फितने में मुब्तला हो जाए। शहवात क्या है? इंसान की नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात। वो मनमानी जिंदगी गुजारता है, रब शाही जिंदगी नहीं है, मन चाही जिंदगी गुजारता है, मन में जो कुछ आया है नफ्स की पैरवी करता है। याद रखिए इस नफ्स को कंट्रोल करना है। ये सियाम हमें सिखाता है कि नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, सलात हमें सिखाती है कैसे हमें नफ्स को कंट्रोल करना है, इस्लाम का हर अमल हमें सिखाता है अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, नफ्स के फितने से बचना सीखो और शुकों को शुभहात की जो बीमारियां हैं इनसे तुम परहेज गुरेज करो। गर्स खुलासे कलाम ये हुआ कि अल्लाह उसके रसूल से दूरी या असल फितना है, और बेदीनी, बेईमानी, अल्लाह उसके रसूल के साथ वादा शिकनी, अहद वादा खिलाफी, इसी की वजह से अल्लाह तबरक ताला का ये अजाब आएगा कि अल्लाह ताला दुश्मनों को हम पर मुसल्लत कर देगा। कुरून उला में सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, इज़ाम, वो लोग जो आगे बढ़े हैं, तो बताइए कि उनके पास क्या ताकत थी? बहुत बड़े बड़े उनके पास हथियारा थे? नहीं। बहुत बड़ी उनकी तादाद थी? नहीं। बड़े बड़े उनके पास बादशाह थी? नहीं। क्या था? अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। याद रखो अगर तुम मोमिन हो, ईमान बहुत जरूरी है, तौहीद बहुत जरूरी है, ईमान हो, तौहीद हो, इखलास हो, नेक आमाल हो, तो अल्लाह ताला हमें नुकसान से बचाएगा। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम, जमाने में इंसान नुकसान में रहेंगे। चार काम कर लो नुकसान से बच जाओगे। इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सबर, तो अब नुकसान से बच जाएंगे। वरना अल्लाह ताला हम पर, याद रखिए, अब देखते जाए, तारीख का मुताला करते जाइए, मुसलमान सबसे ज्यादा जब तादाद में थे, तैयारी में थे और दुनियावी उलूम और फनून के माहिरीन थे, उनके पास सबसे ज्यादा हुकूमतें थी, अफराद में तादाद उनके पास ज्यादा, उसी वक्त मुसलमानों पे जवाल आया, जवाल आया। और यह है अब्बासी दौर, अब्बासी खिलाफत का दौर है। मुसलमानों के पास इतनी दौलत, उनके शादी ब्याह में आज तो फूल बरसाते हैं, वो लोग करेंसी बरसाया करते थे। हाँ, इतने मालदार, इतनी दौलत उनके पास थी, अफराद, इख्तदार, इख्तियार, असबाब, वसाइल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन पर तातारियों को मुसल्लत किया, तातारियों को मुसल्लत किया,
और बगदाद के ईंट से ईंट बजा दिया, तहस नहस कर दिया, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। तैयारी थी, तादाद थी, असबाब थे, अफराद थे, हुकूमतें थी, सब कुछ थे, लेकिन था नहीं तो ईमान नहीं था। ईमान की कमजोरी थी, अकीदे की कमजोरी थी, यहां पर आपस में इख्तलाफ और इंशिकाक का माहौल था। याद रखिए मेरे भाइयों, तौहीद वाहिद से अहद से है, तौहीद में आपके लिए इसी में इत्तेहाद होगा, इसी में आप और हमारे लिए बेहतरीन हिफाजत, उसवा कुदवा और बेहतरीन पैगाम है। तो हमें चाहिए कि तारीख से इबरत हासिल करें। तारीख सहीफा कुल्लुहा इबरा, तारीख एक रजिस्टर है, ये इबरत का सामान होता है। हमें चाहिए कि तारीख से इबरत हासिल करें कि मुसलमान कब उरूज को पहुंचे और कब जवाल पजीर हुए। याद रखिए, असल है ईमान की ताकत और कुव्वत। अल्लाह ताला अहले ईमान की तरफ से डिफेंस करता है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लदीन आमनु। तो हमें चाहिए कि दुश्मन हमें दीन से दूर करना चाहेंगे और हमें और ज्यादा दीनदार बनना है। जब दीन और ईमान की खातिर हमारी आजमाइश हो तो दीन बेजार नहीं, उस वक्त और ज्यादा दीनदार बनना, क्योंकि दुश्मनान चाहेंगे हमें बेदीन करके हम पर मुसल्लत हो जाएं और हम दीनदार बन के अल्लाह की हिफाजत में आ जाना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको वाकईमाने में इन कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों को उनका खोया हुआ मुकाम दोबारा इनायत फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहु वबिहम्दिक, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक वतूब इलैक, सल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद।